ये रोड्स को रिपेयर करने की न्यू टेक्निक है जिसमें इंजीनियर्स क्या करते हैं कि जहाँ पे रोड नीचे धसा होता है सबसे पहले वहाँ पे होल करते हैं। फिर क्या करते हैं कि पॉलीयुरेथेन नाम के एक स्पेशल लिक्विड को उस होल के थ्रू डाल देते हैं और उसके बाद वो लिक्विड हवा के साथ रिएक्शन करके एक्सपैंड होने लगता है, जिससे सड़क का जो हिस्सा नीचे धस गया होता है वो उस मटेरियल के एक्सपैंड होने के चलते वापस अपने लेवल पे आ जाता है और उसके बाद इंजीनियर आसानी से उस रोड को रिपेयर कर देते हैं। अब टेनिस बॉस की आखिर इतनी इज्जत क्यों होती है? मतलब जहाँ दूसरे बॉस को ऐसे सड़क छाप पन्नी में डालकर रखते हैं, वहीं पे टेनिस बॉस को ऐसे एक स्पेशल सील्ड कैन में डालकर रखा जाता है। तो एक्चुअली टेनिस बॉस में एक स्पेशल गैस भर जाती है जिसके चलते बॉल इतना उछलता है। पर होता क्या है कि जैसे बॉल हवा के कॉन्टेक्ट में आता है धीरे धीरे इनका गैस निकलने लगता है, इसलिए बॉस हमेशा सील्ड कैन में ही आते हैं ताकि बिकने से पहले ही इसका गैस ना निकल जाए। बाकी प्लास्टर काटने वाला कटर हाथ को क्यों नहीं काट पाता? मतलब सोच कर देखो, इतना हार्ड चीज को तो फट से काट देता है पर इतने मुलायम स्किन पे स्क्रैच तक नहीं लगा पाता, तो आखिर ये भेदभाव क्यों भाई? एक्चुअली जैसा आप सोचते हो ना, ये वैसे काम नहीं करता। ये एंगल ग्राइंडर जैसे गोल गोल नहीं घूमता, बस आगे पीछे वाइब्रेट करता है, जिससे जब ये किसी इलास्टिक चीज के कॉन्टेक्ट में आता है जैसे बलून या हाथ का स्किन, तो स्किन भी इसके साथ वाइब्रेट करने लगता है, जिससे ब्लेड इतना पावर जनरेट ही नहीं कर पाता कि स्किन को काट।